नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम था संकल्प। कौन सा सीरीज था? संकल्प, ठीक। और इसका मतलब यानी कि इसका मेन मकसद हमारा क्या है कि आप जो है परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए इस संकल्प सीरीज को फॉलो कर ले जाएंगे तो परीक्षा में आपका बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त होगा। अगर आप इस सीरीज को पूरी तरह से एकदम अच्छे से फॉलो कर ले जाएंगे तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है आपको जो है 90+ कहेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, 95 नहीं, केवल 90 ही प्लस कहेंगे, ठीक है। 90+ अंक तो आपका कहीं पर गया ही नहीं है, ठीक। अगर आप अपनी तरह से, मतलब कि अगर आप अपने तरफ से और कुछ ज्यादा एफर्ट डाल देंगे तो 95+ जो है आपका परीक्षा में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस संकल्प सीरीज में हम आपको जितना भी प्रश्न कराएंगे आपको जो है एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा और आपको जो है याद कर लेना है उस प्रश्न को, ठीक है, समझ के याद कर लेना है, ठीक। और देखिए इस सीरीज में जो है हम पार्ट 1 आपको करा चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 हम आपको करा चुके हैं। मिलियन में जो है पार्ट 1 यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा चुके हैं, ठीक। और देखिए आज हमारा कौन सा पार्ट है, तो पार्ट नंबर आज हमारा दूसरा है। तो देखिए इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। ये जैसे कि पहला प्रश्न हमारा क्या है, मोलरता तथा मोललता में अंतर लिखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस सीरीज में रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को एकदम ध्यान से देखते हैं। आप सभी लोग वीडियो को भी एकदम ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। देखिए इसको मिटाना पड़ेगा पहले, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे कह रहा है मूलरता तथा मूललता में अंतर लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर भी एकदम आसानी से लिख देंगे, ठीक है। आपको देखिए याद हो जाएगा ये प्रश्न, गारंटी हमारी है। बस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते जाइए, ठीक। क्या कह रहा है, मूलरता तथा मूललता में अंतर लिखिए। आपको जो है ये भी बताया जाएगा कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप सभी लोग क्या हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग ही डालेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मूलरता तथा मूललता में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे सभी लोग हेडिंग डालेंगे मूलरता, लिखिए मूलरता तथा मूललता में अंतर, ठीक, अंतर हो गया। अब सभी लोग इसको जो है ब्लैक पेन से हेडिंग बना लीजिएगा, सभी लोग बना लिए होंगे, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाएगा, अंतर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको जो है सबसे पहले 2 कॉलम बनाना है, ठीक। 2 कॉलम बनाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है पहला वाला चीज जिसके बारे में पूछा है। पहला क्या पूछा है, मूलरता पूछा है। क्या पूछा है, मूलरता, मूलरता यहाँ पे हम लिख देंगे। दूसरा क्या हमसे पूछ रहा है, मूलरता पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सभी लोग लिख देंगे मूलरता, मूलरता लिख दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए हल्का सा ही अंतर है। देखिए यहाँ पे अगर ला होता तब भी मूलरता हो जाता, यहाँ पे अगर रा होता तब क्या हो जाता, मूलरता। तो ये अंतर नहीं है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस इतना है, ठीक। अब आप सभी लोग देखिएगा मूलरता को जो है किससे दर्शाते हैं, मूलरता को कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल एम से हम दर्शा देते हैं। अब मूललता को किससे दर्शाते हैं, इसको जो है स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक। अब आप सभी लोग यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा परीक्षा में, ठीक है, जिससे कि देखने में एकदम अच्छा लगे। उसके बाद हम सभी लोग यहाँ पे एक एक चीज का आंसर जो है एकदम आसानी से लिख देंगे। पहला अंतर क्या है, देखिए मूलरता, मूलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मूलों की संख्या। यहाँ पे लिख देंगे 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। देखिए इससे जो है अच्छा से नहीं चल रहा है तो हम दूसरे पेन का यूज करते हैं, देखिए इससे शायद अच्छा से चले। क्या 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मूलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मूलरता कहलाती है, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला यहाँ पे हम लिख देंगे इधर, इधर क्या कहा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक।
क्या हो जाएगा, एक किलोग्राम किसमें उपस्थित, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक है, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसके मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मूलकता कहलाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा दूसरा अंतर, इसमें इसमें विलयन की आयतन की परिवर्तनता होती है, ठीक है, लीटर का है तो हम क्या लिख देंगे, आयतन लिख देंगे, इसमें विलयन की आयतन की प्रधानता होती है, इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है, ठीक है, ये हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा दूसरा अंतर, तो इधर हो जाएगा इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता, इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है, ठीक है, ठीक, इतना हो गया ना। अब देखिए, अब यहां पर मोलरता पर जो है ताप का कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, इस पर ताप का प्रभाव, ठीक, क्या है हमारा, अच्छा लीटर है ना, तो इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इस पर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला अंतर क्या हो जाएगा, अब जो है दोनों का फार्मूला लिख देंगे हम, ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, चौथा देखिए फार्मूला यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर क्या होता है, देखिए डब्ल्यू वी गुणा 1000 वटा एम बी इंटू वी ए वी इन किसमें हो जाएगा, बताइएगा, इन लीटर है तो इन एमएल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डब्ल्यू वी गुणा 1000 बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए इन ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इतना लिखिए, उसके बाद चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मूल प्रभाज किसे कहते हैं, क्या है, मूल प्रभाज किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि मूल प्रभाज हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो परीक्षा में ये प्रश्न आपसे जो है बहुत बार पूछा गया है, अब की बार भी आने का चांस है, तो इसीलिए हम इसको भी यहाँ पे रख दिए संकल्प सीरीज में। अब देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, मूल प्रभाज, हेडिंग हम डाल लेंगे मूल प्रभाज, मूल प्रभाज हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक। अब देखिएगा मूल प्रभाज को किससे दर्शाया जाता है, मूल प्रभाज को दर्शाया नहीं जाता है, इसको जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूल फ्रैक्शन कहते हैं, मूल फ्रैक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है, मूल फ्रैक्शन हो गया, ठीक। मूल प्रभाज को देखिए x से दर्शाया जाता है, किसे दर्शाया जाता है, x से दर्शाया जाता है, और मूल प्रभाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूल फ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है, अब क्लियर हो गया ना, मूल प्रभाज को जो है x से दर्शाते। अब देखिए मूल प्रभाज किसे कहते हैं हम, ठीक है, देखिए किसी घटक के मोलों की संख्या, सभी लोग यहाँ पे लिखेंगे किसी घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन का
उस विलयन का मूल प्रभाज्य कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ठीक, अब देखिएगा विलयन जो है कितने घटकों को मिलाकर बनता है, दो घटकों को मिलाकर बनता है। ठीक, अब यहां पे लिख देंगे घटक ए के लिए, ठीक है, घटक ए का मूल प्रभाज। अब घटक ए का मूल प्रभाज हमारे यहां से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा मूल प्रभाज को बताइए किससे दर्शाते हैं, एक्स से, ठीक, तो घटक ए का हम ज्ञात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। ठीक, तो घटक ए के लिए क्या हो जाएगा मूल प्रभाज, तो आप सभी लोग देखिएगा क्या होता है, किसी घटक के मूल की संख्या, ठीक, तो हम ए के लिए जब ए वाला घटक कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घटक ए की मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या का अनुपात। ठीक है, नीचे लिख देंगे एन ए प्लस एन बी, हो गया हमारा क्या, मूल प्रभाज हो गया। ठीक है, अब घटक बी के लिए अगर हम ज्ञात करें तो घटक बी का मूल प्रभाज, ठीक, घटक बी का मूल प्रभाज, तो आप सभी लोग देखें कि घटक बी का मूल प्रभाज क्या होता है, इसे एक्स बी से हम लोग दर्शा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन बी बटा क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ठीक, इतना हमारा खत्म हो गया। देखिए आज हम जो है इतने ही प्रश्नों को रखते हैं और अगली वीडियो में जो है और प्रश्नों को हम संकलित करेंगे। ठीक, और हाँ, इस चैप्टर को जो है हम आप सभी को 5 वीडियो में खत्म करा देंगे। ठीक है, पूरी तरीके से इस चैप्टर को हम आपको 5 वीडियो में खत्म करा देंगे और इसी 5 वीडियो में से जो है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इन सभी वीडियो को एकदम अच्छे से तैयार करके जाएगा, तब तक के लिए आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और अगर हाँ इस वीडियो में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए एक हमेशा की तरह बेहतरीन लेवल वाली शायरी है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। एक इधर मैं हूं कि दुनिया से नाराजगी है, एक उधर तू है जो गैरों का कहां मानता है। एक इधर मैं हूं कि दुनिया से नाराजगी है, एक इधर तू है जो गैरों का कहां मानता है। मैं तुम्हें अपना समझकर ही तो कुछ कहता हूँ, यार तू मेरी बातों का बुरा मानता है। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।